और एक चीज जो एपी में मैंने बताई थी, पहला लास्ट का ऐड होगा, जो एडिशन आएगी वही सेकंड सेकंड लास्ट की, वही थर्ड थर्ड लास्ट की आएगी एडिशन एपी में। जीपी में प्रोडक्ट सेम। हेलो एवरीवन, फाउंडेशन सीरीज में अगला लेक्चर है सीक्वेंस सीरीज का सेकंड सेशन विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पिछले सेशन में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था, जिसमें एपी के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, या फिर एपी में टर्म्स किस तरीके से लेने हैं, सम का फॉर्मूला, उसके बाद अरिथमेटिक मीन क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वो एपी वाला जो लेक्चर है सीक्वेंस सीरीज का सेशन वन, वो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, सो यू कैन वॉच इट। आज हम देखने वाले हैं जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है ये सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है। कंसीडर अ फैमिली वेयर एवरी फीमेल ऑफ ईच जनरेशन हैज एग्जैक्टली टू डॉटर्स। ठीक है, हर जनरेशन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि फीमेल ऑफ ईच जनरेशन हैज एग्जैक्टली टू डॉटर। ये एक फीमेल, उसके दो डॉटर, फिर ये इसके दो डॉटर, इसके दो डॉटर, इसके, तो ये इस तरीके से ये फैमिली ट्री बन रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इफ द जनरेशन नंबर इज नोन, यहाँ पे इट इज देन पॉसिबल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ईच जनरेशन इफ द जनरेशन नंबर इज नोन। मतलब पहले जनरेशन में एक फीमेल थी, उसके बाद दूसरे में दो, उसके बाद तीसरे में दो, और दो के फिर से तो चार, मतलब टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो हम निकाल सकते हैं अगर इसका एक पैटर्न पता चल गया, विच इज अ जीपी वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन में वन, सेकेंड जनरेशन में टू, थर्ड जनरेशन में फोर, तो ऐसा जो प्रोग्रेशन होता है इसी को कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अगले एग्जांपल में बताने वाला हूँ कि सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो बिटवीन एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट। एपी में मैंने बताया था कि डिफरेंस जो होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का वो कॉन्स्टेंट था, जीपी में रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ये रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, और वो रेशियो को कहा जाता है कॉमन रेशियो। वहां पे कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉमन रेशियो कहा जाता है। नाउ यहाँ पे भी ए वन इज इक्वल टू वन है, ए वन इज इक्वल टू वन है, ए टू इक्वल टू ए आर, मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए थ्री इक्वल टू ए आर स्क्वायर। अब ये किस तरीके से, देखो अगर एक पहले टू लिया, फिर फोर लिया, फिर एट लिया, फिर सिक्सटीन लिया, तो पहला टू है, कॉमन रेशियो टू है, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई होगा तो फोर, फोर को टू से मल्टीप्लाई होगा तो एट, एट को टू से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्सटीन, तो यह ऐसे मल्टीप्लाई होते होते आगे जा रहा है। तो जैसे एपी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि डी का कोएफिशिएंट एक से कम आ रहा था टर्म के नंबर से, यहाँ पे भी वैसे हो रहा है। देखो यार, यहाँ पे ए टू ए आर है, ए थ्री जो है ए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आ रहा है, उसके बाद ए फोर में ए आर क्यूब, आर क्यूब आ रहा है, वैसे ही ए फाइव अगर मैं लूंगा तो ये आएगा ए आर रेस टू फोर, ए सिक्स लूंगा तो ये आएगा ए आर रेस टू फाइव, तो ये एक से कम है, ये भी एक से कम है, तो इसका मतलब आर का पावर एक से कम आ रहा है टर्म के नंबर से। ऐसे करते करते मैं आगे चला गया तो ए एन एक से कम आएगा, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, सो ये वाला दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, दैट इज कॉल्ड एज जनरल टर्म। जैसे एपी में था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे जीपी में आएगा ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, आर होता है कॉमन रेशो, ए होता है फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जीपी वाला पार्ट है, कॉमन रेशो यहाँ पे आने वाला है, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको सबसे पहले बता दी, राइट। आगे चलते हैं, अब दिया है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जैसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी था वैसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी भी होता है। तो ये बाय प्रोसेस हमने सॉल्व करने के बाद ये वाला मुझे डायरेक्टली जो रिलेशन है या जो फॉर्मूला है वो मिलने वाला है, एस एन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एक्चुअली यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, वो दूसरा में भी मैं बता देता हूँ। ये जो होता है, ये होता है आर ग्रेटर देन वन के लिए, मतलब आर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो, और अगर आर की वैल्यू लेस देन वन है तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। लेस देन वन मतलब मोस्टली जो होता है जीरो टू वन के बीच में वैल्यू, मतलब फ्रैक्शन में 0.2, 0.3, 1 बाय 4, 1 बाय 5, जो भी वैल्यू आ रही है वो वाली वैल्यू ये वाले फॉर्मूला में डाल के
आपको आसानी से आंसर मिलेगा। अब क्या मैं ये वाला फॉर्मूला मुझे याद नहीं है मैंने यही यूज़ किया या ये याद नहीं है यही यूज़ किया तो चलेगा क्या? यस एब्सोल्यूटली चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो यार, या इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन, माइनस माइनस कैंसिल, आपको यही मिलेगा। सो आपको फाइनल आंसर वही मिलने वाला है इफ़ यू आर नोइंग ऑल द वैल्यूज। बट फॉर नोइंग कि आर ग्रेटर देन वन कहाँ पे होता है और आर लेस देन वन कहाँ पे होता है, इसलिए मैंने दो फॉर्मूले बताए अलग अलग, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको यूज करके देखते हैं। 2, 6, 18 तीन टर्म है, जीपी में है, कॉमन रेशियो आ रहा है 3 और 3, ऐड किया 2 + 6 = 8, 8 + 18 = 26 आ रहा है, तीन टर्म की एडिशन आ रही है 26। अब फॉर्मूला में डाल के देखते हैं, S3 इज इक्वल टू A की वैल्यू 2 इंटू R^n, R की वैल्यू कितनी है 3 और टर्म कितने है 3, तो 3^3 -1 डिवाइडेड बाय R-1 R3-1, सो ये आएगा 2 × 3³ 27, 27 - 1 = 26 डिवाइडेड बाय 2, सो 26 आ रहा है। तो थर्ड टर्म तक की सम जो है वो आ रही है 26। तो SN का फॉर्मूला आप यूज करके, ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूलों को यूज करके आपको सॉल्व करना है। सम टू एंड टर्म्स, तीन टर्म तक की एडिशन तो S3, 5 की S5, 15 की तो S15, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो SN का फॉर्मूला इसमें आने वाला है। नाउ इसमें भी टर्म्स आते हैं, जैसे मैंने AP में बताया था कि तीन टर्म चूज करने हैं, तो A-D, A और A+D क्यों चूज करने हैं? क्योंकि मुझे सम वाले क्वेश्चन आ रहे थे। जब सम वाले क्वेश्चन आते हैं तो D और D कैंसिल होकर A की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे भी मुझे पता है कि GP में A आएगा, AR आएगा और AR² आएगा तीन टर्म में। मैं अब यहाँ पे एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एडिशन वाला आ गया तो कैसे भी आया तो रिलेशन ही मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा A³ × R³, जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। वेयर एज मैं अगर ये तीन टर्म ले लूँ A/R, A और AR और उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ A/R × A × AR, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो A³ = something मिलेगा। तो अच्छा है हमारे लिए कि A की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और जहाँ पे A की वैल्यू आती है वहाँ पे R की वैल्यू आती है, जहाँ पे R की वैल्यू आती है वहाँ पे आगे का भी सॉल्व होता है। तो A मिलेगा तो R मिलेगा, R मिलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे A³ = something आएगा, A की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए ये वाले क्वेश्चन, ये वाले टर्म्स लेने, इसलिए चूज वेल, अच्छी तरीके से चूज करना है। चार टर्म A/R³ A/R A, AR³। इसमें एक और चीज मैं बताने वाला हूँ कि कॉमन रेशो याद रखो, कुछ जगह पे ये भी लगता है। यहाँ पे पहले इसमें कॉमन रेशो R का होता है, यहाँ पे कॉमन रेशो R² का होता है, यहाँ पे R का, यहाँ पे R² का। सो जनरली तीन टर्म या चार टर्म तक पूछते हैं, कभी कभी पांच टर्म पूछ सकते हैं, छह टर्म मैंने दे दिए बट मोस्टली नहीं पूछेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, सो A/R A और AR यही वाले लेने हैं जब आपको तीन टर्म पूछे जाएंगे। सो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ GP, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ GP वाला पार्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ GP, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ AP मैंने एक्सप्लेन किए थे वैसे ही GP के प्रॉपर्टीज में बताने वाला हूँ। तो अगर मैंने लिया 2, 6, 18 और 54, ये है GP, कॉमन रेशो आ रहा है 3, राइट, चार टर्म दिखाई दे रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट देन द रिजल्टिंग सिक्वेंस इज इन GP अगेन। तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो यार, 4, 12, 36, 108, फिर से ये 3 का ही कॉमन रेशो आएगा। तो आपको पता चल रहा है 3 का कॉमन रेशो सेम रह रहा है, तो सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है तो यू विल गेट द सेम थिंग अगेन, राइट, या उसी के हिसाब से वो आने वाला है, वो डबल किया है, सॉरी 2 को 4 किया, 6 को 12 किया, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, सो उसी के हिसाब से आ रहा है कॉमन रेशो। फिर उसके बाद टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिया तो भी वो GP में होता है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इसका 1/6, इसका 1/18, इसका 1/54, 1/6 डिवाइडेड बाय 1/2 1/3 आएगा, 1/18 डिवाइडेड बाय 1/6 1/3 आएगा। सो इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल भी ले लिए सारे नंबर के तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में आता है, तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल भी आ सकता है। उसके बाद ABC आर इन GP तो B² = AC, B² = AC, जैसे AP में बताया था, GP में क्या याद रखेंगे, B² = AC, when 3 numbers are in GP तो क्या करना है, मिडल वाले का स्क्वायर करो, पहला तीसरा मल्टीप्लाई करो,
क्या याद रखेंगे, मिडल वाले का स्क्वायर करो, पहला तीसरा मल्टीप्लाई करो, ए बी सी है, मिडल वाले का स्क्वायर बी का स्क्वायर पहला तीसरा मल्टीप्लाई ए इंटू सी आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद पावर ले लिए सबके तो भी वही आएगा। और एक चीज़ जो एपी में मैंने बताई थी, पहला लास्ट का ऐड होगा, जो एडिशन आएगी वही सेकंड सेकंड लास्ट की, वही थर्ड थर्ड लास्ट की आएगी एडिशन एपी में। जीपी में प्रोडक्ट सेम आता है, देखो 2 × 54 इज 108, 6 × 18 इज 108, वैसे ही आप आगे के नंबर ले लो, फर्स्ट लास्ट वाला प्रोडक्ट, सेकंड सेकंड लास्ट वाला, थर्ड थर्ड लास्ट वाला, द प्रोडक्ट्स विल बी सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी है जीपी की जो याद आपको होनी चाहिए, राइट। राइट देन, सो ये वाला बेसिक पार्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें nth टर्म, sn वाला पार्ट, टर्म्स इन जीपी और उसके कुछ प्रॉपर्टीज, और ये आपको पता होने चाहिए। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे जैसे एपी के क्वेश्चन से वैसे जीपी के क्वेश्चन में अप्रोच रखना है आपको। थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 दिया है, थर्ड टर्म मतलब A3 होगा, A3 4 दिया है। What is the product of first 5 terms? पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? अब A3 है तो मैंने अभी बताया था कि जीपी में जो टर्म होते हैं R का कोएफिशिएंट 1 से कम होता है, A3 है तो R का कोएफिशिएंट 2 आएगा, AR square equal to 4। अभी मुझे ये एक रिलेशन पता चल गया, मुझे आगे पता नहीं इसका यूज होगा नहीं होगा, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स कौन कौन से, A है, AR है, AR square है, AR raise to 4, AR cube है, sorry, AR cube है और AR raise to 4 है। इन पांचों का प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट लेंगे तो A into A, A कितनी बार आएगा, 5 बार, और R 3 + 3, ये 3 है, 3 + 3 6 + 4 10, तो R आ रहा है 10 बार। सो A raise to 5, R raise to 10। अब कोई बोलेगा सर ये तो आने ही नहीं वाला, AR square equal to 4 है, कैसे आएगा, ये तो अलग ही दिया है कुछ। देखो यार आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हो, ए इक्वल टू 4/r², ये वैल्यू डालोगे तो भी आंसर आएगा, या अगर आपने थोड़ा सोचा तो ये जो है ये a लिखा मैंने और इसको r² लिखा, a × r² और टोटल का पावर 5 लिया, तो a^5 और r^10 होगा, ये ar² होल पावर 5 बनेगा। ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि ar² की वैल्यू गिवन है कितनी है 4, तो 4 वैल्यू गिवन है तो आंसर क्या आएगा 4^5, और 4^5 होता है 1024 या 2^10 विच इज 1024। क्लियर विद दिस? तो हमको सिर्फ ये एक रिलेशन पूछा था, रिलेशन गिवन था, ये गिवन रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया और आंसर आ गया। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, टेंथ टर्म ऑफ जी पी आर पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, देन p² = q² + r² वगैरह 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 वगैरह। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप रेशो लेके करो, मतलब जो भी टर्म के रेशो है वो ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सिंस फोर्थ सेवेंथ और टेंथ टर्म है वैल्यू लेके थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। सो वील हैव द रिलेशंस, a^4 = p, a^7 = q और a^10 = r। सो a^4 / a^7 = p/q, तो a^4 होता है ar³ / ar⁴ = p/q, a गया, r³ इसके साथ गया, 1/r³ = p/q, सो r³ = q/p, सो r मुझे मिलेगा क्यूब रूट ऑफ q बाय पी, राइट, r³ मिलेगा q√q/p, राइट। यहाँ तक आगे चलते हैं, 7/10 ये भी वही है, a^7 / a^10 = ar⁴ / ar⁹, a चला गया, ये भी आएगा 3, 1/r³ ये क्या है q/r, सो r³ मिलेगा r/q, राइट, सो r = √r/q, क्लियर विद दिस, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी कॉमन रेशो ही है, दोनों भी कॉमन रेशो है, तो q√q/p = q√
आर बाय क्यू, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब लेंगे दोनों का तो क्यू बाई पी इक्वल टू आर बाय क्यू होगा, ये इधर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिल रहा है पी आर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर। याद रखो जब भी आपको ऐसे टर्म दिए जाएंगे आप उसका रेशो लोगे तो आपको आर की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। क्यों? देखो हर एक टर्म में, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, टेंथ टर्म, ट्वेंटी टर्म, जो भी पूछेंगे हर जगह पे ए तो ए ही रहने वाला है, आर का पावर चेंज होगा इसलिए ए हमेशा कैंसल हो जाएगा और आर का पावर आपको समझ में आ जाएगा। आर क्यूब बाय आर रेस टू सिक्स में आर क्यूब कैंसल होगा, वन बाय आर क्यूब मिला, आर क्यूब इज क्यू बाई पी इस तरीके से आया, फिर यहाँ पे भी आर क्यूब मिला, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ आर बाई क्यू आया, दोनों आर है इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट किया, दैट्स इट। तो ये वाला फंडा आपको समझ में आना चाहिए, राइट। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जी पी 3612 डॉट 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 डॉट, 3612 ये जी पी है, पहले 60 टर्म की एडिशन पूछी है। सो यहाँ पे ए लिख लो यार, ए 3 है और आर दिखाई दे रहा है, आर कितना है 6/3 मतलब 2, 7 टर्म की एडिशन, एस एन का फॉर्मूला होता है ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो 7 टर्म मतलब एस 7 होगा यार, राइट। एस 7 इक्वल टू ए की वैल्यू 3, आर रेस टू एन आर की वैल्यू 2, 2 रेस टू कितना 7 टर्म 7 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, राइट, 2 माइनस वन, सो 3 इंटू 2 रेस टू 7 कितना होता है 64 इंटू 2 128, 127 डिवाइडेड बाय 1, सो 127 इंटू 3 इज 381, सो सम ऑफ 7 टर्म्स आ गया 381। सो सिंपल है फॉर्मूला, अगर पता होगा तो यू कैन गेट द आंसर्स क्विकली अगर आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करने आए तो। नेक्स्ट इज इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द टेंथ टर्म। तो जो मैंने अभी बताया कि टर्म जब दिए जाएंगे तो रेशो लेना है, सो ए थ्री डिवाइडेड बाय ए सिक्स लूंगा मैं, ए थ्री डिवाइडेड बाय ए सिक्स, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सिक्स टर्म, थर्ड टर्म इज 24, सिक्स टर्म इज 192, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, सिक्स टर्म होता है ए आर रेस टू 5, 24 बाय 192, यहाँ पे डिवाइड करो यार, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 4 4 16, 4 8 6 8, मतलब ये आ रहा है 1/8, ए गया, ये गया इसके साथ, तो आर क्यूब मुझे स्ट्रेट अवे 8 मिल रहा है, मतलब आर कितना मिलेगा यार आर मिलेगा 2, आर 2 मिल गया, जब आर 2 मिल रहा है तो मैं कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ पे ए थ्री इक्वल टू 24 है, ए थ्री विल बी ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24, ए की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू 2 है, ए इंटू 4 इज इक्वल टू 24, तो ए कितना मिला 6, ए की वैल्यू 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, दैट इज द फंडा, सिंपल, वैल्यू पता होनी चाहिए, वैल्यू पता है वैल्यू डालो खत्म करो आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू 6। उसके बाद टेंथ टर्म निकालो, टेंथ टर्म अभी बताया था अगर टेंथ टर्म है तो एक से कम मतलब ए आर रेस टू 9, सो ये आएगा 6 इंटू 2 रेस टू 9, सो 6 इंटू 2 रेस टू 9 कितना होता है, ये होता है 512, तो 500 इंटू 6 इज 3000 और ये 72, सो 3072 इज द टेंथ टर्म, ये आएगा आपका आंसर 3072, टेंथ टर्म आ रही है 3072, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी। यहां पे देखो अभी किस तरीके से आएगा, ए की वैल्यू जो है वो 1 दिया है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब ए थ्री प्लस ए फाइव कितना 90, और मुझे कॉमन रेशियो पूछा है, ए थ्री क्या होता है ए आर स्क्वायर, ए फाइव क्या होता है ए आर रेस टू 4 इक्वल टू 90। अब ए की वैल्यू 1 इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 इक्वल टू 90, क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है बट वो क्वाड्रेटिक बनेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ लोगों को क्रिएट हो सकता है क्योंकि बहुत बार नहीं समझता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आर स्क्वायर को पी ले लेता हूँ, पी, तो आर स्क्वायर पी हुआ तो आर स्क्वायर की वैल्यू पी प्लस आर रेस टू 4 की वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 90, सो रीअरेंज करके ये आएगा पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 90 इक्वल टू 0, सो 90 के फैक्टर बीच में 1 आ रहा है, सो दैट गिव्स मी पी प्लस 10 इंटू पी माइनस 9 इक्वल टू 0, 10 और 9 आएंगे,
सो p इक्वल टू आ रहा है -10 और p इक्वल टू 9, लेकिन p होता है r स्क्वायर, सो r स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका -10 और r स्क्वायर इक्वल टू 9। r स्क्वायर -10 आ ही नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर चाहिए, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। सो r स्क्वायर इक्वल टू 9 इज राइट। सो r की वैल्यू आ रही है +3, r की वैल्यू आ रही है +3। तो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फंडा याद होगा या आप यूज कर सकते हैं तो इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर विद दिस, राइट। सो जीपी का एक ओवरव्यू मैंने दे दिया यहाँ पे, जीपी क्या होता है, जीपी का nth टर्म क्या होता है, जीपी का sn क्या होता है, जीपी के टर्म कैसे चूज करने चाहिए, जीपी के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और जीपी के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारी चीजें एक ही सेशन में मैंने बता दी है। बेसिक वाला सेशन है, एक्चुअल जी के जो क्वेश्चन है वो हम PYQ सेशन में भी करते हैं और काफ़ी सारे सेशन में हम कवर करते हैं। हमारा YouTube चैनल है, उसके ऊपर ये लेक्चर्स आ रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब, जिसमें फाउंडेशन सीरीज़ के प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें इसके पहले इनइक्वालिटी, लॉगरिथम्स, सीक्वेंस सीरीज़ का पहला पार्ट और अभी ये दूसरा पार्ट, ये वाले सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो यहीं पर हम आज रुकते हैं, अगला वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।